आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच और टॉस के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और मैं आपका दोस्त और होस्ट आजम अंसारी। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के मैच नंबर 23 की, जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ग्राउंड रिपोर्ट, कौन जीतेगा इस मैच को और इस मैच के टॉस को। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की है और सिर्फ 4 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है। अब अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान डेविड वार्नर और विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्ट्रो। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे इनफॉर्म बैट्समैन केन विलियमसन और नंबर 4 पर विराट सिंह की जगह मनीष पांडे खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिलेंगे विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, केदार जाधव और राशिद खान। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं जगदीश असुचित, सिद्धार्थ कौल और खलील अहमद की जगह भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हैदराबाद की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी? इससे पहले जानेंगे हम क्या रहेगी चेन्नई की प्लेइंग 11। तो हमें सीएसके की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस। नंबर 3 पर खेलते हुए दिखेंगे मोइन अली, नंबर 4 पर सुरेश रैना खेलते हुए दिखेंगे। बात करें मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स की, तो हमें देखने को मिल सकते हैं बाती राइडू की जगह रॉबिन उथप्पा, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और सैम करन। बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इसमें मौजूद हैं दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। यहाँ की पिच आमतौर पर स्पिन बॉलर्स को काफ़ी मदद देती है। यहाँ की बाउंड्रीज छोटी हैं, जिससे कि बड़े बड़े शॉट देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पिच बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। यहाँ पर ड्यू फैक्टर ज़्यादा रहता है, जिससे कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के चांस जीतने के ज़्यादा होते हैं। हमने बात की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और ग्राउंड रिपोर्ट की। अब वक्त है हमारी प्रेडिक्शन का। इससे पहले आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, ये लगातार बैक टू बैक मैच पास करा रहे हैं। मैच तो पास करा ही रहे हैं, साथ में टॉस और सेशन में भी काफ़ी अच्छा काम दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार इनके व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज जरूर कीजिए। ये नंबर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर टॉस प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में टॉस विनर रहने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। टॉस में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब बात करें अगर मैच प्रिडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी भारी दिख रही है, लेकिन इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी। इस मैच का विनर सनराइजर्स हैदराबाद होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।